नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला और आज आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित होने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बदलाव के बारे में आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि अब जो पैटर्न है पेपर का पैटर्न, मतलब इनके जो कराने का जो तरीका था वो बिल्कुल बदल दिया गया है। पहले जीएस और हिंदी अलग अलग समय पे होता था, 2 घंटे में सामान्य अध्ययन होता था और 1 घंटे में सामान्य हिंदी का पेपर कराया जाता था, वो भी बीच में 2 घंटे का गैप देके। अब ये पेपर एक सिटिंग में कराया जाएगा, एक बैठक में कराया जाएगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार है, वह यह कि अब पहली बार पेपर एक से ज़्यादा शिफ्टों में हो रहा है। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी परीक्षा, चाहे राज्य स्तरीय हो चाहे केंद्र स्तरीय हो, अगर एक से ज़्यादा पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाती है तो उसमें एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया लगता है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वो तरीका है कि सारे शिफ्टों को बच्चों को बराबर लेके आना। अब ऐसे में मैंने देखा है कि बहुत सारे छात्र भी व्याकुल हैं और बहुत सारे संस्थान भी गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं इस बात को लेके कि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों का नुकसान होगा या फायदा होगा। सबसे पहली बात मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन किसी का नुकसान करने के लिए नहीं होता, सबको एक बराबर स्केलिंग करने के लिए होता है, सबको एक बराबर स्केल पर लाने के लिए होता है। और एक उसका डेफिनेट फॉर्मूला भी है जो तमाम, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, एक जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला हर जगह व्यापक रूप से प्रयोग होता है, वही फॉर्मूला यहां पे भी प्रयोग होगा। और सब कुछ हम लोग इस सेशन में अच्छे से समझेंगे अगले 5 से 7 मिनट में, और क्या जो चेंजेस हैं इस पे, जो अभ्यर्थी पेपर देने जा रहे हैं इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और अब क्या रणनीति होनी चाहिए, अब क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, और हमें क्या लाभ या क्या इसका नुकसान हो सकता है, इसे भलीभांति आगे की वीडियो में हम लोग समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तमाम परीक्षाओं के लिए टीम परीक्षा प्लस बहुत पहले से आप सभी के साथ खड़ा रहा है और बहुत बेहतरीन तैयारी भी आपके लिए कराती आ रही है। टीम है बहुत, बोल सकते हो कि जो आपके एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है या फिर जो एक्सपीरियंस टीम है, ये आपको कहीं ना कहीं एक सही मार्गदर्शन देने में सहायता मदद करती आई है। चलिए हम लोग बात करते हैं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा। सबसे पहले तो हम वो फॉर्मूला देखेंगे जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि किस फॉर्मूले पे आपका नॉर्मलाइजेशन होना है। तो और दूसरी बात, क्या वाकई में फायदा या नुकसान होता है या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और पड़ता है तो किस प्रकार पड़ता है। और तीसरी बात, जो 3 घंटे का पेपर होगा इसका क्या असर पड़ने वाला है। आते हैं हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये नोटिस आपकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, इस नोटिस को आप लोगों ने देखा होगा और इसमें ये बताया गया है कि ये 22 दिसंबर और 23 दिसंबर, यहाँ पे देखोगे 22 दिसंबर रविवार को और 23 दिसंबर 2024 यानी कि सोमवार का दिन पड़ेगा, और ये जो पेपर आपका होगा ये 2 दिन अब पेपर होगा और 2 पालियों में होगा। दोनों पाली की अगर मैं बात बोल लूं, ये 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा, पूर्वाह्न 9 बजे से लेके 12 बजे तक किया जाएगा, और जो द्वितीय पाली होगी वो आपके शाम के 3 बजे से 6 बजे तक किया जाएगा। इसमें यही जानकारी दी गई है और सेंटर के बारे में जानकारी बताया गया है कि आप जो मेन जो वाई जो एक्स कैटेगरी के सेंटर हैं उन्हीं का रखा जाए, वाई बहुत कम सीमा में रखा जाए, और जहां पे 1000 के ज्यादा या बोल सकते 500 से ज्यादा या 1500 के मल्टीपल में या 1000 वाले हैं उन्हीं को क्या बनाया जाए, उन्हीं को सेंटर बनाया जाए। 384 या कम फिगर वाले जो सीट हैं, जहां पे सीट कम अवेलेबल है, उनको सेंटर ना बनाया जाए। खासकर इन्होंने राजकीय विद्यालय, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो राज्य सरकार से जुड़े विद्यालय हैं, उन्हीं विद्यालयों को ये क्या किए हैं, उन्हें सेंटर बनाने की घोषणा, या बात कर सकते हो ये बात चला रहे हैं। चलिए खैर, ये बात जानकारी आप सभी को पता होगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने इधर उधर देखा होगा, मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। मैं फोकस करूँगा वो उस फॉर्मूले पे जिस फॉर्मूले पे आपका नॉर्मलाइजेशन होना है, और सही मायने में ये समझेंगे कि क्या इसमें नुकसान है क्या या केवल फायदा फायदा है, और फायदा नुकसान की बात करेंगे या फिर ऐसा है कि इसका ना फायदा ना नुकसान है, सभी को बराबर करना है। तो वैसे नॉर्मलाइजेशन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका मतलब होता है स्केलिंग, सभी को एक लेवल पर लेके आना, ना किसी का फायदा ना
किसी का नुकसान, फायदा नुकसान से ज्यादा बेटर है। इसमें ना फायदा ना नुकसान का हम लोग शब्द प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे रहेगा मैं आपको समझाता हूं। ये एक आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अभी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, तमाम आपके मैथमेटिकल नोटेशन लिखे हुए हैं, लेकिन ये केवल उनको क्या दिया गया है, एक नोटेशन दिया गया है समझाने के लिए। इसमें तीन कड़ी है, मैं आपको समझाता हूँ। एक आपका ये वैल्यू है जो आपका क्या हो रहा है, इस दूसरे वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है और तीसरी वैल्यू आपकी ये है। तीन वैल्यू आपको ध्यान देना है और तीनों वैल्यू में ये जो वैल्यू है ये उस शिफ्ट की वैल्यू है। ये क्या है, ये एवरेज और डेविएशन है। एवरेज मतलब आपका औसत हो गया और डेविएशन मतलब आपका विचलन हो गया। तो जब आप स्टेटिस्टिक कहीं पे, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट कहीं भी रहे होंगे, हालांकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत कम ही मैथ के टच में रह जाते हैं या पढ़े होते हैं, जनरली मैंने देखा आर्ट साइड के बच्चे ही इसमें ज्यादा रुचि दिखाते हैं, बट फिर भी आपको औसत और विचलन थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो एवरेज और डेविएशन होता है, और ये किसका होता है, ये सबसे आसान, जो सबसे आसान शिफ्ट होगी उसका क्या होता है, उसका आपका औसत होता है। आप डेविएशन भी छोड़ो, आप केवल औसत लेके चलो कि जो सबसे आसान शिफ्ट होगा उसका औसत होगा। अब आप समझिएगा औसत मतलब क्या, कि एक शिफ्ट में कई सारे बच्चे बैठेंगे। जैसे अगर यहां पे बात करें कि पूरे समीक्षा अधिकारी की बात करें, तो जब फरवरी में इसकी परीक्षा हुई थी, जब रद्द हुई थी, तो यह बोला गया था इसमें 10 से 11 लाख इसमें आवेदन हुए हैं, और 10 से 11 लाख में लगभग मान के चले कि इस बार भी अगर पेपर देंगे तो कम से कम 7 से 8 लाख बच्चा पेपर देगा, कम से कम 70% तो बच्चा पेपर देगा ही देगा, जो अभी आंकड़ा देखा जाए तो 70% मोटा मोटा लेके चले, ना ज्यादा लेके चले तो 7 लाख बच्चा कम से कम पेपर देगा, 7 से 7.5 लाख बच्चा बैठेगा। तो ये 7 लाख बच्चों को अगर 4 शिफ्ट में डिवाइड किया जाएगा, तो एक शिफ्ट में अगर हम लोग देखें तो लगभग एक दिन में 3.5 लाख बच्चा बैठेगा, और ऐसे 1.75 लाख बच्चा क्या बैठेगा, एक शिफ्ट में बैठेगा, मतलब 1,75,000 बच्चा क्या होगा, एक शिफ्ट में बैठेगा। तो एक पर्टिकुलर एक शिफ्ट में जो वो 1,75,000 बच्चा पेपर दे रहा है, अभ्यर्थी पेपर दे रहा है, वो अभ्यर्थियों के सारे जितने जिनकी स्कोर आ रहे हैं सबको जोड़ के और सारी संख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो वही हमारा औसत आ जाता है। अब समझिएगा कि जो शिफ्ट आसान होगी, जाहिर सी बात है कि उसमें जो अभ्यर्थी होंगे उनकी स्कोर क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो उनकी स्कोर बढ़ेंगे तो औसत भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ऐसा कोई शिफ्ट होगा जिसमें पेपर का स्तर कठिन होगा, उसमें जाहिर सी बात है औसतन बच्चों के क्या होंगे, उनके अंक कम होंगे, तो औसत उसका क्या होगा, कम होगा। तो ये जो वैल्यू है ये उस शिफ्ट की वैल्यू है, उस शिफ्ट का औसत है जहां पे पेपर क्या बनेगा, आसान बनेगा। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई चीज जुड़ रही है, ये दो चीज का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ए और बी हम इसे रख लेते हैं, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और सी में जोड़ के हो रहा है। तो बात समझिएगा, सी में कोई चीज जुड़ रही है, सी में कोई चीज जुड़ रही है। तो यहां पे बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं कि नहीं नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो जाएगा। मैं पहली बात बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन में नुकसान नहीं होता और नॉर्मलाइजेशन में फायदा भी नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप किसी कठिन शिफ्ट में हो तो जाहिर सी बात है भाई आप भी उसी पेपर को दे रहे हो, और आपका आप एक कठिन शिफ्ट आपको मिल जाए और वही पेपर दूसरा बच्चा दे रहा उसे आसान शिफ्ट मिल जाए, तो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो फिर जो आसान शिफ्ट वाला होगा उसका नंबर ज्यादा होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो कठिन शिफ्ट वाला बच्चा होगा उसका तो पेपर कठिन रहेगा, उसका नंबर कम होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यह आपकी तैयारी की गलती नहीं थी, आपकी मेहनत की गलती नहीं थी, यह फिर आपकी किस्मत की गलती हो जाएगी। तो उस किस्मत फैक्टर को नलीफाई करने के लिए, किस्मत फैक्टर को कम करने के लिए इस फॉर्मूले को बनाया गया। तो इस फॉर्मूले में कोई बहुत ज्यादा पा रहा होगा तो उसे थोड़ा सा नीचे लाया जाएगा, और कोई बहुत कम पा रहा होगा तो उसे ऊपर लेके जाया जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में ज्यादा देखा गया है कि सबके स्कोर बढ़ते हैं और बहुत कम के होते हैं स्कोर कम होते हैं। अब इस चीज को हम लोग पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये पूरा फॉर्मूला है क्या, इसे में आपका ये पूरा आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे समझेंगे, बट इसे मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला कि आपका ये ए पार्ट हो गया, आपका ये बी पार्ट हो गया और ये सी पार्ट हो गया। ए पार्ट क्या है, इसमें पूरे जितने लोग पेपर दे रहे हैं, जैसे 7 से 8 लाख बच्चा पेपर देगा, उनमें से जो टॉप 0.1% बच्चा होगा उसका क्या किया जाएगा, उसके स्कोर का एवरेज, उसके स्कोर का औसत लिया जाएगा। अब आप सभी को पता होगा, आप मुझे कमेंट करके ही बता दीजिए कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी कट ऑफ कितना जाता है। जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तब 140 के आसपास आता था, जब से निगेटिव मार्किंग आया 125 से 127 के आसपास रहता है। तो जब अगर देखा जाए तो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा, मतलब लीस्ट बच्चा जो सिलेक्ट होता है, उसका स्कोर कितना होता है, उसका स्कोर 125 से 127 रहता है निगेटिव मार्किंग साथ। और वो तब का माहौल था जब आपके 3 घंटे का पेपर नहीं होता था, 2 घंटे का सामान्य अध्ययन होता था, 1 घंटे की हिंदी होती थी, बीच में 2 घंटे का गैप होता था, अभी उसको भी जाऊंगा, वहां पे भी फायदा नुकसान बराबर अपने पहलू हैं।
तो यहां पे अगर देखें तो वो टॉप 0.1% बच्चा होगा जो टॉप स्कोरर होगा, मतलब कि वो तो जो 125 कट ऑफ जा रही है वो उस बच्चे की जा रही है जो सबसे अंतिम बच्चा सेलेक्ट हुआ है, लेकिन जो टॉपर होगा उसके तो 140 भी होंगे, 145 भी होंगे, 150 भी होंगे, हो सकता है कोई बच्चा 152 155 भी पा रहा हो, हिंदी में 58 60 पा रहा हो, जीएस में भी उसके 140 में से 110 प्लस पा रहे हो, तो ऐसे में तो बच्चा कितना 150 160 के बीच में भी जो टॉपर वाले बच्चे होते हैं होता है। तो ऊपर से 0.1% बच्चा लिया जाएगा, मतलब कि अगर हम लोग हर शिफ्ट के 0.1% ओवरऑल अगर देख लो तो 7 लाख बच्चे का अगर 0.1% रखेंगे तो हम लोग कितना आएगा, ये 0.1% की बात कर रहे हैं है ना, 7000 बच्चा, मतलब आप समझिएगा कि अगर उसका 1% भाई अगर 7 लाख बच्चा है, 7 लाख बच्चा है, आप थोड़ी सी मैथ अगर करोगे तो इसे आप क्या कर दो, इसे आप 1000 से डिवाइड कर दो, और इसे अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो लगभग 700 बच्चा ऊपर का 0.1%, तो ओवरऑल का 700 बच्चा, और जाहिर सी बात है ये टॉपर लिस्ट के होंगे तो इनका जो औसत आएगा, इनका औसत मेरे ख्याल से 145 नेगेटिव मार्किंग वाले के साथ 145 से 150 के आसपास आएगा। अब ये उन 0.1% का बच्चा है, उसके बाद एवरेज है यहां पे सारे का, एवरेज डेविएशन ऑल शिफ्ट का, तो टोटल अगर एवरेज, ये 0.1% का एवरेज है और ओवरऑल का एवरेज लिया जाए तो भाई ये क्या है, ये सिविल सर्विसेज पेपर है, यहां पे ओवरऑल एवरेज काफी कम रहेगा क्योंकि ऐसे भी बच्चे होंगे जो शायद 200 नंबर में शायद 70-80 नंबर भी जीएस और हिंदी मिला लिया जाए तो भी स्कोर ना कर पाए, ऐसे भी बच्चे पाए जाते हैं जिनका केवल फॉर्म भर देने से मतलब होता है, पेपर दे आने से मतलब होता है, उसके बाद वो तुक्का मार के आते हैं और खूब भरपूर निगेटिव होता है और उनका स्कोर लेके आता है 60-70 तक गिरा देता है, ऐसे बच्चे खूब पाए जाते हैं, तो उनका भी स्कोर काउंट होगा और ऐसे बच्चे होंगे जो टॉपर होंगे उनका भी, तो ओवरऑल एवरेज आएगा, तो ओवरऑल एवरेज 200 में से लगभग 100 के आसपास या उससे भी नीचे आ जाएगा यहां पे। लेकिन ये इन दोनों का अंतर है, और ऐसे ही नीचे भी है आपके शिफ्ट का 0.1% और उसके बाद आपका क्या, आपका आपके शिफ्ट का एवरेज, इनका अंतर है, तो ये दोनों वैल्यू अगर देखा जाए और इन दोनों का अंतर लगभग लगभग बराबर आएगा, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, जितने भी नॉर्मलाइजेशन हुए, सब में ये देखा गया है इसकी वैल्यू लगभग लगभग सेम है, बस कुछ क्राइटेरिया देखा गया है कि अगर पेपर क्या होता है, पेपर का स्तर कठिन होता है तो अगर ये क्या है, रेशियो ही तो है, कोई चीज बटे कोई चीज हो रही, तो अगर पेपर आसान होगा तो जाहिर सी बात है नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ऊपर कम हो जाएगा, आप ऐसे भाग भाग अगर देना जानते होंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से कम हो जाएगी, और अगर कोई कठिन शिफ्ट होगा तो ये वैल्यू एक से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने लिखा कि बस आप इस वैल्यू को भूल जाओ, जो एक ही वैल्यू है, या तो एक से थोड़ी कम रहेगी या एक से थोड़ी ज्यादा रहेगी, या अधिकांश केस में क्या होता है, एक के बराबर ही होता है, ये इजी हार्ड और एवरेज शिफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हमारा जो बी है, ये ओवरऑल आपका जो नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा वो इसी पे डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो सी वाला पार्ट है, जो ये क्या है, सबसे आसान शिफ्ट का जो औसत है और डेविएशन है, विचलन है, तो सबसे आसान, ये तो तीनों, चाहे आसान शिफ्ट में आप हो, चाहे कठिन शिफ्ट में हो, चाहे एवरेज शिफ्ट में हो, सभी में तो एक ही वैल्यू यूज हो रहा है ना, तो सभी के लिए कॉन्स्टेंट है, तो ये बहुत फर्क नहीं डाल रहा है, और इसकी वैल्यू मैंने बता दिया कि ये एक के बहुत क्लोज है, अगर कठिन शिफ्ट है तो 0.98 के आसपास जाएगा, और बहुत क्या है आसान शिफ्ट है तो 1.02 के आसपास जाएगा, तो एक के थोड़ा सा ऊपर और एक के थोड़ा सा नीचे, मतलब एक के आसपास ही लेके चलो, तो बहुत ज्यादा ये वैल्यू बहुत ज्यादा अंतर नहीं करता। अब मेन फैक्टर काम करता है ये बी वाला, मतलब कि आप जितना अंक पाओगे और उसमें क्या कर दिया जाए कि आपके शिफ्ट का औसत, भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपकी शिफ्ट कठिन होगी तो आपके शिफ्ट का औसत भी कम होगा तो आपका भी कम होगा, आपकी शिफ्ट आसान होगी तो आपका शिफ्ट का औसत भी ज्यादा जाएगा, आपका भी मार्क्स ज्यादा जाएगा, तो इन दोनों का अंतर है और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसमें जो सबसे आसान शिफ्ट है उनका औसत क्या हो रहा है, उनका औसत आपका जोड़ा जा रहा है, ये थोड़ा सा हम लोग दिमाग में रखेंगे। अब इस चीज को और आप समझते हुए चलो, इसे मैं थोड़ा सा और आपका ओपन कर दूं, तो ये चीज हम समझेंगे कि भाई ये तो वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यू आपका क्या कर रहा है, ये वैल्यू आपका मैटर कर रहा है, तो अगर आप आसान शिफ्ट से हैं तो ये आपकी वैल्यू क्योंकि एक से कम में गुणा होगा तो थोड़ा सा कम कर देगा, उसके बाद उसमें जुड़ेगा, और अगर आप ये कठिन शिफ्ट में, और अगर आप आसान कठिन शिफ्ट में हैं तो इसमें क्योंकि ग्रेटर देन वन है, इस वैल्यू में ये मल्टीप्लाई होकर आपके इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देगा तो आपका बढ़ के आएगा। तो समझिएगा कि अगर आप आसान शिफ्ट में हैं तो आप में थोड़ा कम जुड़ेगा, और अगर आप कठिन शिफ्ट में हैं तो आप में थोड़ा ज्यादा जुड़ेगा। क्या नॉर्मलाइजेशन में निगेटिव भी होता है, मतलब कि जितना आप अंक पा रहे हो उससे कम भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल कम हो सकता है। कहीं आप किसी ऐसे शिफ्ट में पाए हो जिसका जो ये अंतर है, आप
अपने शिफ्ट के एवरेज से, अपने शिफ्ट के एवरेज से आपका नंबर कम आ जाए, आपके शिफ्ट के एवरेज से आपका नंबर कम आ जाए तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और ये वैल्यू माइनस में आएगी इससे गुणा होगा तो ये ज्यादा बड़ा माइनस करेगी, और फिर इससे माइनस होगा तो हो सकता है कि आपका वैल्यू कम भी हो जाए, जो आपके रॉ स्कोर है उससे कम भी हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन में कम भी होता है, नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा भी होता है, लेकिन जो ये फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है इसमें अधिकांश बच्चों का क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है, और अगर होता भी है तो एक आध नंबर। और क्योंकि चार शिफ्ट में है और एक जीएस का पेपर है, मैथ और रीजनिंग, और ऐसा पेपर नहीं है कि इसमें क्या होता है बच्चों का स्कोर बहुत ज़्यादा वैरी करे, जीएस में लगभग सबका क्या होगा, सबका स्कोर लगभग ऐसा एक ही रहेगा और एक ही टाइप में बच्चे हैं, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन में अंतर नहीं आएगा। तो बहुत आएगा, अगर बढ़ेगा तो 10-12 नंबर किसी का बढ़ेगा, जो सबसे कठिन, एक मतलब बोल सकते हो कि सबसे कठिन शिफ्ट का एक बेहतर स्कोर करने वाला बच्चा है उसका कितना बढ़ेगा, उसका 10-12 बढ़ेगा, और सबसे आसान शिफ्ट का कम स्कोरर है उसका क्या होगा, 1-2 नंबर कम भी हो सकता है। तो बस यहां पे फर्क नॉर्मलाइजेशन का यही पड़ता है, और यही फॉर्मूला क्या होगा आपका प्रयोग किया जाएगा। तो ये मत सोचिए कि किसी का फायदा या नुकसान है, अगर किसी शिफ्ट कम में है तो उसका नंबर बढ़ेगा, और अगर किसी का आसान शिफ्ट है तो उसका हो सकता है कि कम बढ़े या हो सकता है कुछ कम भी हो जाए, एक आध नंबर कम हो जाए, बस इतनी सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपकी यही है। अब रही बात कि अगर तीन पाली, अगर ये तो चार पाली में पेपर होगा, 3 घंटे पेपर होगा तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, हालांकि मैं इसके लिए एक सेशन बना दूंगा 3 घंटे में पेपर का असर क्या होगा, लेकिन एक लाइन में आप यह समझ लीजिए कि पहले से स्थिति अब ज्यादा अच्छी हो गई है। पहले क्या होता था कि हिंदी का पेपर 60 क्वेश्चन 1 घंटा पर्याप्त से कहीं ज्यादा था, बच्चा आधे घंटे में क्वेश्चन करके गोला भर के बैठ जाता था, इंतजार करता था कब घंटा बचे। और वैसे ही अगर पिछली बार का पेपर देखा जाए, फरवरी वाला जो पेपर हुआ है वर्ष 2024 का ही, जिसका एग्जाम हो रहा है, इसका देखा जाए तो जीएस का स्तर इतना अच्छा था, इतना बेहतरीन था कि बच्चों के 100-110 नंबर लाने भी, मतलब बोल सकते हो कि 100-110 प्रश्न भी सही करने में 140 में से पूरी हालत टाइट हो गई थी, पूरी हालत खराब हो गई थी। तो वाकई में कठिन स्तर का था, और उनके पास स्टेटमेंट वाले इतने प्रश्न थे कि बच्चों के स्कोर नहीं बन पाए थे, समय का अभाव हो गया था। अब जो हिंदी वाले में एक्स्ट्रा समय था वो समय आपको जीएस में मिल जाएगा, तो एक टाइम मैनेजमेंट बढ़िया बना सकते हो कि भाई आपके सामने 3 घंटे का पेपर आया, आप 15 से 20 मिनट में हिंदी करके गोला भर के अब आप जीएस में आ गए, पूरा जो आपका समय बच रहा है, अब 2 घंटे से आपके पास ज्यादा समय है, आपके पास उसी 140 प्रश्न को करने के लिए लगभग 2.5 घंटे समय है, तो इस कारण से आपको जीएस करने का, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने का फायदा ज्यादा मिल जाएगा। तो वन सेटिंग में आप करोगे तो आपका यह फायदा होगा। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि मान लो किसी बच्चे का जीएस का पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जीएस का पेपर थोड़ा गड़बड़ होने से उसका टेम्परामेंट खराब हो जाता था, अब उसका पेपर जब 2 घंटे बाद हिंदी होता था तो वो उस सोच से नहीं निकल पाता था मेरा पेपर खराब हुआ, वो 2 घंटे अपना मैच करा रहा होता था और अपनी हिंदी रिवाइज भी नहीं कर पा रहा था, और उस निगेटिव थॉट की वजह से अपने हिंदी का स्कोर भी कम कर लेता था। अब वो सारी समस्या खत्म हो गई, बढ़िया पेपर देने जाओ, एक बार हॉल में घुसो, एक साथ पेपर देकर निकलो, बाहर निकलो, आपका एक पेपर का जो परफॉर्मेंस है दूसरे पेपर पर असर नहीं डालेगा, तो यह दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा है, समय की बर्बादी नहीं होगी, यह भी ज्यादा बेहतर तरीका है। तो अभी सब कुछ ज्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसे में आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपको टाइम मैनेजमेंट। इसीलिए टीम परीक्षा प्लस आपके लिए बहुत बेहतरीन आरओ यारो का क्रैश कोर्स लेके आई है, यह बिल्कुल निशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। इसमें आपको शाम को 8 बजे अरुण सर, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और हिंदी के बहुत ही अच्छे विद्वान माने जाते हैं, ये आपको पूरा सामान्य हिंदी 60 प्रश्न की जो श्रृंखला है वो शाम को 8 बजे करा रहे हैं। और जीएस में क्योंकि विभिन्न विषय है, जिसमें से अगर हम बात करें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जो ये आपके फहीम सर कराएंगे, बहुत अनुभव है इनका, कितने सारे मेंस लिखे हैं आरओ यारो के, ऐसे नवीन सर हैं, कितने सारे पीसीएस के मेंस, आरओ के मेंस लिखे हुए हैं, कई सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं आपको, ये साइंस और एनवायरमेंट और ज्योग्राफी और इन सारे पोर्शन को कवर करवाएंगे। ऐसे आपके रमन सर हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, जैसे आपका स्टैटिक जीके हो गया, आपका मिसलिनियस पोर्शन हो गया, ये सब आपके रमन सर कवर करवाएंगे, और ये सब आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से बचे हुए समय में कंप्लीट कराएंगे। इससे जरूरी है कि आप अधिकार, अब जो समय आपके पास बचा है उसमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, क्योंकि जितना टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट होगा और उतना ही बेहतरीन आपकी एनालिसिस होगी और उतना अच्छा स्कोर आपका आएगा। तो टीम ने अभी आपको मात्र 499 रुपए में एक बहुत बेहतरीन आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ये टेस्ट सीरीज आप परीक्षा प्लस ऐप से कर सकते हो, परीक्षा प्लस ऐप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें आपको 10 टेस्ट दिए जा रहे हैं जीएस और हिंदी मिला के, मतलब 200 क्वेश्चन के पूरे जीएस के टेस्ट होंगे, आपको
उसी की पीडीएफ ओएमआर के साथ होगी कि आप उसे घर पे भी अपना ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर लो। साथ में आपको स्कोर बूस्टर क्लासेस दी जाएंगी, जैसे आपका यूपी जीके हो गया, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, जैसे महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हो गए, उन सारे टॉपिकों को यहाँ पे स्कोर बूस्टर क्लास होगी मैराथन टाइप में, दो दो घंटे तीन तीन घंटे की आप एक क्लास में करके स्कोर अपना अच्छा बेहतरीन बना लो बहुत ही एनालिसिस के साथ। तीसरा आपका टॉपिक टेस्ट होगा कि हिंदी के किसी चैप्टर का टेस्ट हो गया, जीएस के किसी चैप्टर का टेस्ट हो गया, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट हो गया, तो वो आपका यहां पे टेस्ट करवाया जाएगा। साथ में आपको सारे इंपॉर्टेंट ई बुक, जैसे योजनाएं हो गई, जैसे आपके बोल सकते हो कि पूर्वावलोकन का आपको चाहिए ई बुक, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका आपको एक संग्रह मिल जाए, तो वैसे आपको इसमें ई बुक दिए जाएंगे, वो आपको मिल जाएगा और आपके सारे डाउट सेशन, और ये आपके एग्जाम की वैलिडिटी तक रहेगा। हालांकि इसका टारगेट बैच प्री प्लस मेंस और टारगेट दोनों चल रहे हैं, 1100 प्लस जीएसटी, 500 अन्य प्लस जीएसटी, आप इसे परचेज कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, वरना आप अभी टेस्ट सीरीज पे, अगर आप पहले से, क्योंकि री एग्जाम है, मुझे लगता है बच्चे को दोबारा से फिर से तैयारी करने की आवश्यकता है, तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए। हम इसे प्रयास करेंगे कि इसे निश्चित समय में 20 से 25 दिन में, एक महीने में कंप्लीट करवा ले, हमारा समय बचेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम एक टेस्ट सीरीज और लाएंगे, तो पहले हम 10 टेस्ट देंगे, उसके बाद फिर अगला 10 टेस्ट देंगे, इस प्रकार से चलेंगे, और ये आप परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो। तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग को एक बदलाव है और ये बदलाव आपके हिसाब से पॉजिटिव सेंस में है, और आप इसकी तैयारी दिमाग में बाकी व्याकुलता लाए, बाकी इधर उधर की बातें सुने, मैं देख रहा हूं कि लोगों के उस बारे में ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं कि 4-5 नंबर बढ़ेगा, 4-5 नंबर घटेगा, वो सब फालतू की बातें, उस पर दिमाग मत लगाए। जो मैंने फॉर्मूला बताया, यही फॉर्मूला आपका आयोग मानेगा भी, और यही फॉर्मूला आपके सामने आएगा। तो अभी इस सेशन में बस इतना ही, फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा इन सारी चीजों को पाने के लिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद सभी का।